हेलो गाइस, वेलकम टू माय शो चटपटी मसालेदार बातें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिग बॉस कंटेस्टेंट साजिद खान की। साजिद खान का बिग बॉस से बाहर आने का नंबर लग चुका है। अब वह जल्द ही बिग बॉस से बाहर आके डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि उनके पुलिस स्टेशन जाने का इंतजाम बाहर शर्लिन चोपड़ा ने कर दिया है। जब से साजिद खान को बिग बॉस में लिया गया है, तब से कई एक्ट्रेस आवाज उठा चुकी हैं, लेकिन लीगल एक्शन अब तक किसी ने नहीं लिया। शर्लिन चोपड़ा पहली ऐसी शख्स हैं जिन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके कम्प्लेन की। जुहू पुलिस स्टेशन में वो साजिद खान के खिलाफ कम्प्लेन दर्ज कराने आई, लेकिन जुहू पुलिस ने उनकी कम्प्लेन को सुना ही नहीं। सर, एक लेडी ऑफिसर को मेरा केस हैंडल करने को कहा जाए, मैं उनको अपना बयान देना चाहूँगी। मैं इस समय बहुत ही बेबस महसूस कर रही हूँ। मैंने कुछ देर पहले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को कॉल किया। मैंने उनसे कहा, सर जुहू पुलिस मुझे सीरियस नहीं ले रही है, पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी, ऊपर से कोई दबाव आया होगा कि मेरा स्टेटमेंट ना लिया जाए। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो सकता है, तो एक आम महिला के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। मैं तो सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच पर क्या मैं ये बोल रही हूँ कि अभी की अभी साजिद खान को अरेस्ट किया जाए। मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मेरा बयान तो लो, उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू करो, बिग बॉस के घर में जाकर उसको लेकर आओ पूछताछ के लिए। पुलिस कुछ नहीं करने वाली, क्यों? क्योंकि आपके आरोपी और कई पीड़ित महिलाओं के आरोपी साजिद खान के सर पर किसी और का नहीं बल्कि सलमान खान सर का हाथ है, और उनके होते साजिद खान का कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता है। शर्लिन ने जुहू पुलिस की जब ये पोल मीडिया के सामने खोली, तब फाइनली पुलिस का बुलावा शर्लिन को आया और शर्लिन का स्टेटमेंट लिया गया। शर्लिन के स्टेटमेंट के बेसिस पे FIR दर्ज की जाएगी और जल्द ही पूछताछ के लिए साजिद को समन भेजा जाएगा। साजिद खान इस समय बिग बॉस के घर में है, और अगर समन अभी भेजा जाता है तो डेफिनेटली साजिद को बिग बॉस से बाहर आकर जुहू पुलिस स्टेशन में जाकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना होगा। मी टू के दौरान साजिद खान के ऊपर आरोप तो कई एक्ट्रेसेस ने लगाए, लेकिन सामने आकर लीगल कंप्लेंट किसी ने नहीं की। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? विमेंस कमीशन भी साजिद खान के खिलाफ लिख चुका है। इतनी औरतें साजिद खान के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, लेकिन साजिद खान को अब तक बिग बॉस के घर से कोई हिला नहीं पाया है। आपको क्या लगता है, क्या ये पावर है? आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।